रामायण आपने भले ही कई बार सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन अभी भी राम जी और रामायण से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आपने न सुनी होगी और न ही आपको पता होगा। जैसे कि जब भगवान राम की शादी हुई तो वो कितने साल के थे, कितने साल में वो वनवास गए, राम भक्त हनुमान पर रावण की कौन सी बेटी मोहित हो गई थी और क्या उनकी शादी हुई थी या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब हमारी टीम ने धर्म ग्रंथों के जानकारों से जानने की कोशिश की। जैसे कि क्या भगवान श्री राम ने सीता माता से पहले किसी और कन्या को देखा था, और जब उनका माता सीता से विवाह हुआ तो उनकी उम्र क्या थी। तो आपको बता दें कि माता जानकी ने ही ये बात कही थी कि जब उनका भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ था तब श्री राम की उम्र 14 से 15 साल की थी, और जब भगवान राम ने वनवास प्रस्थान किया था तब उनकी उम्र 25 साल थी और माता जानकी की उम्र 18 साल थी। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है, माता जानकी ने कहा है, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंश का, माने 25 वर्ष की आयु से ऊपर थे मेरे पतिदेव जब वनवास काल में गए, और जब उनका विवाह हुआ तब उनकी उम्र करीब 14 से 15 वर्ष थी, इसका भी उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। और माता जानकी की आयु जब वो वनवास के लिए साथ में गई तो 18 वर्ष के करीब थी। तो हम लोग अगर गणित लगाएं तो ये समझ में आएगा कि 25 वर्ष से तो ऊपर ही श्री राम अयोध्या जी से वनवास के लिए गए हैं। रावण की कितनी पत्नियां थी, कितने बेटे बेटियां थी, क्या वाकई में रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थीं। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा कहा जाता है कि रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। रावण के मुख्य पुत्रों में, जैसा कि मैंने कहा, 3 धर्म पत्नियां मंदोदरी, धन्यमालिनी और तीसरी माता का उल्लेख मतलब अज्ञात है। तो मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार, ये मुख्य रूप से उल्लेख आता है जिनका आप लोग जानते हैं। तो मेघनाथ की जो धर्म पत्नी थी सती सुलोचना, इंद्रजीत भी मेघनाथ का नाम है, उसके बारे में तो उल्लेख है। उसके बाद जो धन्यमालिनी जो पत्नी थी उनसे आपका विरूपाक्ष नाम का हुआ, और उससे आपका तृष्णा नाम का राक्षस हुआ, ये सब धन्यमालिनी से हुए। और तीसरी जो धर्म पत्नी थी जो अज्ञात है, उनसे नारांतक, देवांतक इस प्रकार के पुत्र हुए। तो कहने का अर्थ है कि मुख्य रूप से 7 पुत्रों के बारे में वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। हाँ, एक कहावत कही जाती कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, लेकिन ऐसा ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं है। मुख्य रूप से 7 पुत्रों का, 5 से 7 पुत्रों का उल्लेख है, जिसमें से इंद्रजीत और अक्षय कुमार मुख्य हैं, धूम केतु, विरूपाक्ष, नारांतक, देवांतक, त्रिशड़ा, अक्षय कुमार, ये सारे पुत्र और साथ में। विवाह का उल्लेख केवल इंद्रजीत का आया है, इनका सुलोचना के साथ हुआ। रावण की बेटी कौन थी, कैसे वो भगवान के परम भक्त हनुमान पर मोहित हुई, और क्या उन्होंने हनुमान जी की मदद की थी लंका पहुंचने में। तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक रावण की तीसरी पत्नी से उन्हें एक बेटी हुई थी, स्वर्ण मत्स, जो राम जी के परम भक्त हनुमान जी पर मोहित हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान हनुमान की लंका तक पहुंचने में मदद भी की थी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के परिवार में कौन कौन था, उनके कितने रिश्तेदार थे, श्री राम ने जो धनुष उठाया था वो कितने किलो का था, क्या संजीवनी बूटी अब भी मौजूद है या नहीं। ये सब आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।